वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो आपके एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये इस वीडियो का, इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर मैं डाल चुका हूँ। उन दो लेक्चरों से अभी जो आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, हर एक वीडियो से दो से तीन क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो दो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। लिंक मैं उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस वीडियो की पीडीएफ या फिर आने वाले वीडियोस की पीडीएफ के लिए प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को विज़िट कीजिए। साथ के साथ इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और फॉलो भी ज़रूर कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर मतलब हिंदी में बोले तो जंगल विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम जो जंगल होता है उसके डेवलपमेंट और उसकी केयर पर ध्यान देते हैं। सो सिल्वीकल्चर आपका रिलेट करता है फॉरेस्ट क्रॉप्स। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। द ड्यूरेशन ऑफ 1921 डेज रेफर्स टू, सो 1921 डेज रेफर टू 19 से 21 दिन किससे रेफर करते हैं? ये रेफर करते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सून आफ्टर मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग विच फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर। अ पोटैटो ट्यूबर हैज़ बीन कट इनटू टू हाफ्स। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर प्लेस्ड ऑन द कट सरफेस ऑफ वन ऑफ द हाफ्स, वट कलर चेंज विल बी नोटिस्ड। आपको पता है जो पोटैटो होता है उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है। वो स्टार्च बना होता है, आपका पता है स्टार्च जो बना होता है वो लंबी चेन, ग्लूकोज की लंबी चेन से बना होता है। तो जब आप उसके ऊपर आयोडीन डालते हो तो वो उसका रंग जो चेंज होता है वो होता है ब्राउन से ब्लू, ब्लैक में। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक। द मेडिकल टर्म यूज फॉर स्लीपलेसनेस, ये तो आप वो भी पढ़ते होंगे, इंग्लिश पढ़ते होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा आपने, इंसोमेनिया। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, ये आपसे पूछा गया था सीजीएल के 2007 एग्जाम के अंदर, कि जो स्टडी होती है टीथ, दांतों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है आपका ओडोंटोलॉजी। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, ओडोंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ न्यूली बॉर्न अप टू द एज ऑफ 3 मंथ इज कॉल्ड, देखिए जो बच्चे पैदा होते हैं, जो 3 मंथ तक के बच्चों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सो उसे बोला जाता है आपका नियोनेटोलॉजी। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। द स्टडी ऑफ विसेरल ऑर्गन, ये ऑर्गन कौन से होते हैं भाई, जो हमारी बॉडी के अंदर थिक कैविटीज में होते हैं, जैसे कि चेस्ट के अंदर हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं आपके विसेरल ऑर्गन हैं। तो इनके स्टडी को क्या बोला जाता है, स्प्लेंचनोलॉजी। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। व्हाट इज एंडोस्कोप, एंडोस्कोप क्या होता है? देखिए एंडोस्कोप आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी वजह से हम जो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। योइंग अक्कर टू, योनिंग क्यों होती है? देखिए जब हमारे ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ, ज़्यादा मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, उसकी वजह से क्या होती है, योनिंग होती है। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। Human beings have 2 ears because 2 ear help. मानव शरीर में 2 कान होते हैं, तो आपका किस तरीके से जो है वो help करते हैं 2 कान। देखिए 2 कान हमें इन ऑप्शनों को ध्यान में देखते हुए, सो जो ऑप्शन फिट बैठता है वो है ऑप्शन डी,
कि दो स्रोतों से आ रही जो ध्वनि होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में अंतर कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू काइंड्स ऑफ साउंड अराइविंग एट द ईयर्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सहेल इज अबाउट, जो हम सांस छोड़ते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है आपको ये बताना है। देखिए, जो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके अंदर 20% ऑक्सीजन होती है उस एयर के अंदर, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लगभग 0.03% होती है के अराउंड। लेकिन जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं उस गैस को, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो इंक्रीज हो जाती है। वो कितनी बढ़ जाती है, 4% हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से वो CO2 बाहर निकलती है, और जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसमें होती है 16%। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। द सब्सटेंस विच आर यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इन हाई फेवर कंडीशन आर कॉल्ड, भाई जो दवाई जो बुखार में दी जाती है, बुखार को कम करने के लिए दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एंटीपायरेटिक्स। ये तो हम वन वर्ड जो होते हैं उसमें भी पढ़ते हैं। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वॉज प्रिपेयर्ड बाय, सो सबसे पहली जो वैक्सीन थी पोलियो के लिए वो किसने प्रिपेयर्ड की थी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो वो प्रिपेयर्ड की थी जोनास ई सॉ, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। उन्होंने इसको डेवलप किया था वर्ष 1952 में, और ये थी आपकी इंजेक्टेड वैक्सीन जिसे इंजेक्ट किया जाता है, और जो ओरल जिसे हम बोलते हैं ओरल वैक्सीन पोलियो की, उसे डेवलप किया था अल्बर्ट सेबिन ने। ये किया था वर्ष 1957 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन, निम्नलिखित में से कौन सी है जो वैक्सीन नहीं है। सो देखिए, जो प्रोजेस्टिरोन होते हैं वो क्या हैं, फीमेल हार्मोन होते हैं, ना कि वैक्सीन है। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। BCG इम्यूनाइजेशन इज फॉर, BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, TB के लिए, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। कई बार मैंने देखा है आपसे BCG की भी फुल फॉर्म पूछी गई है कई एग्जाम के अंदर, सो BCG की फुल फॉर्म होती है आपकी बेसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, GURIN। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, एड्स इज अ रेट्रोवायरल डिजीज, ये सही है, एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय होमो एंड हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये भी सही है, एड्स वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन USA इन 1981, ये भी सही है आपका, एड्स कॉज एनोजेंशियल वॉर्ड्स भी आपकी एक सेक्सुअल डिसीज है, लेकिन ये एड्स की वजह से नहीं होती। सो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। द एक्सपेंशन फॉर एड्स की फुल फॉर्म काफ़ी बार कई एग्जाम के अंदर, स्टेट लेवल के एग्जाम के अंदर भी पूछी जा चुकी है। सो एड्स की फुल फॉर्म होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम, मीन्स ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। द H5N1 वायरस कॉज बर्ड फ्लू वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, जो पहला जो जिसकी वजह से बर्ड फ्लू होता है, जिस वायरस की वजह से, वो सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया था, वो डिस्कवर किया गया था वर्ष 1997 में, कहाँ पर, हांगकॉन्ग में। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर।
अमोएबिक डिसेंटरी इज कॉज्ड बाय, इसे हिंदी में बोला जाता है अमीबा रुग्णता, अमीबा रुग्णता इसे हिंदी में बोला जाता है अमीबिक डिसेंट्री को। ये क्या होता है भाई, जो हमारी बॉडी होती है पेट होता है, यदि उसके अंदर कहीं किसी भी स्थान पर जैसे कि इंटेस्टाइन होती हैं जहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है पानी नहीं पहुँच पाता या फिर सफाई नहीं हो पाती तो वहाँ पे ये पनपता है। सो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका एंटोमोनेबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। इसकी जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है, इसकी स्पेलिंग एक्चुअल में ये है भाई, ये नोट कर लीजिएगा आप, ई एन टी ए एम ओ ई बी ए। अकॉर्डिंग टू WHO द बर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक्ड बियॉन्ड, भाई यदि हम जो खाना होता है उसे कितने डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा पकाएं कि जो बर्ड फ्लू वायरस है वो ट्रांसमिट नहीं होगा, वो फैलेगा नहीं। सो WHO के अनुसार यदि कोई खाना हम 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पकाते हैं तो उससे क्या नहीं होता, बर्ड फ्लू नहीं फैलता। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। रेडियो इम्यूनो एसे इज थेरेपी यूज टू, सो रेडियो इम्यूनो एसे RIAVG से बोला जाता है, ये थेरेपी किस में यूज़ होती है, ये यूज़ होती है टू डिटेक्ट एंटीबायोटिक एंड हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन द ब्लड, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। द एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, जो आपकी एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन है वो ऑब्टेन की जाती है किससे, बैक्टीरियम से, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, बैक्टीरियम। टमी फ्लू इज फ्रंटलाइन ड्रग अगेंस्ट, टमी फ्लू आपका दिया जाता है इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी को क्योर करने के लिए, सो उसको ध्यान में रखते हुए इसका ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, बर्ड फ्लू। हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल जनरली डाइज ऑफ, तो मतलब कि जो ज़्यादा शराब पीते हैं व्यक्ति वो लगभग मेन जो कारण होता है मरने का, किस कारण से मरते हैं, देखिए वो मरते हैं लिवर सिरोसिस की वजह से, लिवर सिरोसिस बीमारी हो जाती है उन्हें जिसमें जो है लिवर ठीक तरीके से काम नहीं करता, एक तरीके से स्कार हो जाते हैं आपके लिवर के ऊपर, सो यही कारण होता है। सो ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर। MRI stands for, MRI की फुल फॉर्म क्या होती है, यह आपसे पूछा गया था SSC एग्जाम में 2006 में। MRI की फुल फॉर्म होती है आपकी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जोनास सॉक इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, जोनास सॉक ने इन्वेंट की थी वैक्सीन कौन से रोग के लिए, पोलियो के लिए। देखिए क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा कर फिर पूछा गया आपसे SSC के अंदर। क्वारंटाइन लेजिस्लेशन के तहत जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड में, उन्होंने जो डिसीज ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके इंपोर्ट पे क्या करा होता है, रेस्ट्रिक्शन लगाया होता है, ठीक है। तो मींस क्वारंटाइन लेजिस्लेशन ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड रेस्ट्रिक्शन द इम्पोर्ट ऑफ नॉन इंडिजीनियस प्लांट एंड एनिमल पैथोजन, फॉर इम्पोर्टिंग सच ऑर्गेनिज्म वन शुड हैव रेलिवेंट इम्पोर्ट परमिट, मतलब यदि आपको इस प्रकार के जो है ऑर्गेनिज्म इम्पोर्ट करने हैं जो कि क्या है डिसीज्ड हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्पेशल परमिट होना चाहिए। सो जो आपका क्वारंटाइन रेगुलेशन है वो किससे रिलेट करता है, प्रिवेंटेशन ऑफ एंट्री ऑफ डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। Why excessive heating and repeated use of cooking oil are most
डिजायरेबल, डिजायरेबल नहीं होगा, अनडिजायरेबल होगा, क्योंकि अनहेल्दी होता है आपके लिए। सो अनडिजायरेबल क्यों होगा? यदि आप बार बार उसी कुकिंग ऑयल को हीट करते हो, बार बार उसी के अंदर खाना पकाते हो, उसके देखिए जब आप उसको बार बार हीट करते हो तो उसके अंदर जो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकैटाइंस जो बनते हैं, जो किसका कारण होते हैं, कैंसर का, और कुछ कार्सोजेनिक कंपाउंड भी बनते हैं, सब्सटेंस भी बनते हैं, जैसे कि बेंजीन, पायरिन। सो ऑप्शन इसका बी होगा आपका राइट आंसर। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस लाइक बेंजीन, पायरिन आर प्रोड्यूस्ड। द फुल फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज सार्स, सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आपका एक, अब कह लीजिए कि सीरियस फॉर्म है किसकी? न्यूमोनिया की। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज, होम्योपैथी के फाउंडर किन्हें माना जाता है? होम्योपैथी के फाउंडर हैं सैमुअल हॉर्नमैन। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद, अब ये क्वेश्चन कितनी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सभी एग्जाम में एडवर्ड जेनर से रिलेटेड एक ना एक बार क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। सो एडवर्ड जेनर, जिसे जिन्हें हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोल सकते हैं, सो इनका ये एसोसिएट करते हैं स्मॉल पॉक्स से। और आपको पता है इन्होंने जो वैक्सीन डिस्कवर की थी किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, निम्नलिखित में से कौन सी जो पहली एंटीबायोटिक है? पहली एंटीबायोटिक है आपकी पेंसिलिन, जिसे डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन भी आपसे कितनी बार पूछा जा चुका है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? पेंसिलिन। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस टू डेवलप ट्रीटमेंट अगेंस्ट पार्किंसंस डिसीज। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको जो है नोबेल प्राइज मिला है। सो वो है एरविड कार्लसन, एरविड, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। सन 2000 में अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था, और इनके साथ जो नोबेल प्राइज दिया गया था एरिक कैंडेल तथा पॉल ग्रीनगार्ड को। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए आपको अगर ईयर पता होगा तो आप जब ही बता पाओगे कि कौन सा जो इवेंट सबसे पहले हुआ था, कि जो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए स्ट्रक्चर की खोज की थी, यूरी गार्गेरियन पहले व्यक्ति बने थे स्पेस में जाने के लिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट जो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने कब किया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन जो पैदा हुई थी यूके में। तो इन सभी के आपको ईयर पता होंगे जब भी, तो हम जो है बता पाएंगे। सो पहला है वॉटसन एंड क्रिक वाला, जो डीएनए स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था वर्ष 1953 के अंदर, और यूरी गार्गेरियन पहले व्यक्ति बने थे स्पेस में गए थे जो 1961 में, और वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय क्रिश्चियन बर्नार्ड कब किया था वर्ष 1967 के अंदर, और पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन जो जन्मी थी यूके में कब वर्ष 1978 में। तब आप आंसर दे सकते हो कि कौन सा हुआ था पहले। ऑफ कोर्स ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग शेल्टर हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड, ये तो काफ़ी सिंपल है, इसे हम बोलते हैं वेटरनरी साइंस। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। Which of these is produced by a mold? Penicillin. Option C है इसका right answer. Penicillin.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्नोलॉजी मिशन. टेक्नोलॉजी मिशन जो आपका शुरू हुआ था 1986 में, सो इसमें क्या नहीं इंक्लूड था? वेजिटेबल्स, सब्जियां. ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर. द मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन अल्कोहल फ्रॉम मोलेसिस इज कॉल्ड, ये काफ़ी सिंपल है, उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसमें जो है शुगर होती है उसको हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस से किस में कन्वर्ट करते हैं? अल्कोहल में, इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स. ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, फर्मेंटेशन. टोटल इंटरेक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एनी वेल डिफाइंड एरिया इज नोन एज, उसे बोला जाता है आपका कम्युनिटी. अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वाटर ट्रीटमेंट में, उन्हें कैसे यूज करते हैं? ऑफकोर्स जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको मारने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं. सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटिंक्ट एनिमल, निम्नलिखित में से कौन सा है जो विलुप्त हो चुका प्राणी है, सॉरी पशु है, एनिमल है, वो है पैसेंजर पिजन, जो संदेश भेजा करते थे कबूतर. ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर. फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैव द डायनासोर्स बीन डिस्टिंक्ट, अब ये क्वेश्चन भी जो है आपसे एसएससी में पूछा जा चुका है, सीजीएल में पूछा जा चुका है, तो 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे ये. सो जो डायनासोर हैं लगभग कितने साल पहले जो है ख़त्म हो गए थे? सो लगभग 65 मिलियन ईयर एगो. ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर. आर्कियोपेट्रिक्स हैड द फॉलोइंग रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, सो आर्कियोपेट्रिक्स आपकी एक टाइप की फॉसिल है, एनिमल फॉसिल है, जो आपकी रिलेट करती है बर्ड से, ठीक है. सो ऑप्शन इसका होगा आपका बी होगा राइट आंसर, क्लॉड विंग्स, टीथ ऑन जो एंड टेल. ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर. द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी ऑफ हेल्दी ह्यूमन बींग एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन द रेंज ऑफ, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार कितनी रेंज तक की जो ध्वनि होती है हमारी कानों के लिए अच्छी है? सो 45 से लेके 50 डेसिबल तक की. ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर. द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय, तो मैंने ये हमारे जो पहले इससे वीडियो थी बायोलॉजी की उसके अंदर मैंने आपको ये बताया भी था और इसका आंसर है विद एक्सप्लेनेशन भी बताया था, हर्बर्ट स्पेंसर. मीन्स ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर. और ये भी बताया था कि हर्बर्ट स्पेंसर क्यों है, क्योंकि उन्होंने ही पहले ये टर्म यूज़ की थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, अब ये भी आपका पूछा गया है SSC एग्ज़ाम 2006 में. टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी है जिसमें हम अध्ययन करते हैं जहर का, पॉइजन्स का. ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर. ओलाइव रिडले इज अ फेमस, ओलाइव रिडले क्या है, ये भी आपका SSC एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 2006 में. ओलाइव रिडले आपकी एक फेमस जो कछुए है, टर्टल स्पीश है, टर्टल स्पीशीज है. ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर. डार्विन फिंचेस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, पी आएगा यहां पर, डार्विन फिंचेस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, ये क्वेश्चन भी आपका सीजेल एग्जाम में पूछा जा चुका है 2011 में और 2014 में. डार्विन फिंचेस एक प्रकार का क्या है, बर्ड्स ग्रुप है. ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर. ये स्मॉल स्पैरोज लाइक बर्ड होते हैं आपके. द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने. ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर.
लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम बेटसन, विलियम बेटसन। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। अ कंटेम्पररी ऑफ चार्ल्स डार्विन हु केम टू द सेम कंक्लूजन इन द मैटर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वॉज। अब ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में पूछा जा चुका है कि जो चार्ल्स डार्विन जिस नतीजे पर पहुंचे थे, कंक्लूजन पर पहुंचे थे, उसी कंक्लूजन पर एक और वैज्ञानिक भी पहुंचे थे, आपको उनका नाम बताना है। सो ये आपका पूछा गया था सीजीएल 2014 में क्वेश्चन। सो इसका आंसर है आपका अल्फ्रेड रसल वॉलेस। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। द बुक जिनेरा प्लैनेटेरियम वॉज रिटन बाय, तो किताब है जिसका नाम है जिनेरा प्लैनेटेरियम, किसने लिखी है? लिनियोस ने। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, लिनियोस। फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, या फिर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सीसीजीएल 2014 में ही पूछा गया है। सो फॉर्मिक एसिड होता है रेड आंट्स, जो लाल चींटियां होती हैं उनके अंदर। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है जो रेड आंट्स होती है उनके जो डंक में कौन सा जो एसिड पाया जाता है, तो उसका आंसर भी फॉर्मिक एसिड है। टाइनी मरीन एनिमल्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स लाइमस्टोन स्केलेटन्स आर कोल्ड, ये भी आपका क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2013 में, तो उसे बोलते हैं हम कोरल रीफ्स। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, कोरल रीफ्स। पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ, ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोज में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो पांडा है वो बिलोंग करते हैं आपके बियर भालू की फैमिली से। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। और ये अब क्या है, डेंजर स्पीसीज है आपकी, इसे जो है IUCN ने अपनी रेड डाटा बुक में जो इसको नोट कर लिया है, तो काफ़ी रेयर स्पीसी। वट इज स्पॉन्ज, वट इज द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज क्या है, एनिमल है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ये SSC 2012 और 2001 SSC के एग्जाम में आपसे पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो स्पॉन्ज क्या है, एक एक्वेटिक एनिमल है आपका। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नॉर्मली एनिमल्स कैन चेंज द प्लेस, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट चेंज द प्लेस, भाई जनरली जो एनिमल्स होते हैं घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपना स्थान नहीं बदलता, तो वो है हाइड्रा। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, हाइड्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्रू फिश है, सीजीएल 2012 का आपका क्वेश्चन है। सो डॉग फिश, डॉग फिश आपकी एक प्रकार की शार्क होती है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट, इनवर्टेब्रेट कौन से होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉलम नहीं होता, मीन्स बैकबोन नहीं होती। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, मोल्यूस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन लैक टॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फीबियन है जिसकी जो है जीभ नहीं होती, टॉन्ग। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई थी इसकी, ऑप्शन सी की, इसकी स्पेलिंग आप ऐसे कर लीजिए ICHTYOPHIS, इचिटोफिस। ऑप्शन ये वाला होगा इसका राइट आंसर। द कॉमनेस्ट मैमलीज, कौन सा जो निम्नलिखित में से कॉमनेस्ट मैमल है, ऑफकोर्स मैन, होमोसैपियन साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर।
भाई आपको ये भले ही पढ़ने में आसान लग रहे हो क्वेश्चन, लेकिन ये सारे के सारे आपके एसएससी से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सो होमो सेपियन है इसका आंसर, मैन, ऑप्शन सी है राइट आंसर। विच इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई, अब ये क्वेश्चन तो स्टेट लेवल के कई एग्जाम पेपर्स में मैंने देखा है ये। सो कौन सा मैमल है जो उड़ सकता है, तो वो है बैट, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, मतलब कि जो अपनी पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ साइकिल में जो है एक ही प्राणी पर या फिर फिशीज पर जो है, पैरासाइट कौन से होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन इसका सी है राइट आंसर, एस्करिस। कोलंबा लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, कोलंबा लिविया किसका साइंटिफिक नेम है, कबूतर का, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, पिजियन। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग इज कॉल्ड, भाई ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत पक्षियों को उड़ने से रोका जाता है, मीन्स उसे बोलते हैं ब्रेलिंग, जिसमें जो पक्षियों के पंख होते हैं वो बांध दिए जाते हैं ताकि जो ज़्यादा फैल ना सकें, और जब वो पंख फैलेंगे नहीं ज़्यादा तो पक्षी क्या होगा, उड़ नहीं पाएंगे, तो उसे बोला जाता है आपका ब्रेलिंग, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, ब्रेलिंग। ब्लबर, ब्लबर क्या होता है, ब्लबर एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है जो मछलियों को बचाती है ज़्यादा ठंड से, और कह लीजिए आप जो ज़्यादा वाटर प्रेशर से। सो ऑप्शन इसका होगा आपका बी होगा राइट आंसर, अ लेयर ऑफ थिक फैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, निम्नलिखित में से कौन सा मैमल है जो अंडे देता है, अब ये भी एक एक्सेप्शन है बताइए। सो जो स्पाइनी आंट इटर है वो है, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, स्पाइनी आंट इटर। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ, अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है सीजीएल 2011 एग्जाम में। सो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे जो लार्जेस्ट है पक्षी जो अभी भी जीवित है अर्थ के ऊपर, तो वो है ऑस्ट्रिच शत्रुमुर्ग, ऑप्शंस बी है इसका राइट आंसर, ऑस्ट्रिच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, ये भी आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा हमिंग बर्ड, एक बार ये भी पूछा गया था एसएससी सीजीएल में कि कौन सा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, तो उसका भी आंसर क्या है, हमिंग बर्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे बड़ा मैमल है, तो वो है आपकी ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द ओनली बर्ड दैट फ्लाइज बैकवर्ड इज, देखिए ये है आपका पूछा गया एसएससी के एग्जाम के अंदर 2011 के अंदर, तो इसका आंसर क्या है, हमिंग बर्ड। कॉड इज अ वैरायटी ऑफ, कॉड किसकी वैरायटी है, आपने सुना होगा कॉड लिवर ऑयल, जिसे हम विटामिन ए डी और ई के सोर्स के लिए तथा ओमेगा थ्री फैटी एसिड के लिए हम यूज़ करते हैं, कॉड लिवर ऑयल, तो ये कॉड आपकी प्रजाति है फिश की, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। बर्ड्स विच स्विम इन वाटर है, आपने अक्सर देखा होगा बत्तखों के पैर देखे होंगे आपने, वो किस टाइप के होते हैं, वेब्ड फिट, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। द मैमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट इज, निम्नलिखित में से कौन सा जो जानवर है जो सबसे ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है, सो ये आपका पूछा गया है एसएससी 2010 में, तो गोट, बकरी और भेड़, इनकी ज़्यादा क्षमता होती है धूप सहन करने की, गर्मी सहन करने की,
ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। तो देखिए ये टोटल क्वेश्चन हैं जो ये हैं आपके 100, ठीक है। तो सारे ऐसे के ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जो हम बायोलॉजी की तैयारी करते हैं उसमें हम मैक्सिमम जो ह्यूमन सिस्टम हो गया, ठीक है, प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, वो सारे के सारे करते हैं। लेकिन आपने इन क्वेश्चनों के ऊपर अगर ध्यान दिया हो तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने पर ऐसे लगते हैं हमें कि ये सारे के सारे क्या हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे अब स्टैटिक जीके समझ लीजिए, इसको कैटेगरी में डाल दीजिए आप, या फिर इसको आप इनको बायोलॉजी की कैटेगरी में डाल दीजिए आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि बुक के अंदर हमें मिलते नहीं, ठीक है, मिलते हैं पर हम कैच नहीं कर पाते। सो इसका पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पीडीएफ आपको मिलेगा। मेरे फेसबुक पेज को विज़िट कीजिए आप, हमारे चैनल को, फेसबुक पेज को, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे आपके कितने क्वेश्चन रह गए, इसके 26 क्वेश्चन रह गए हैं, आप प्लीज़ इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जो पीडीएफ में सर आंसर नहीं है, भैया एक बार पीडीएफ को एंड में तो देख लिया करो, एंड में डाला होता है पेज आंसर की का, सारे के सारे आपके जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आजकल आपको, सारे के सारे मैं या तो मैं उनको हेडलाइन कर देता हूँ आंसर्स को, या फिर की डाल देता हूँ, ठीक है। तो एक बार एंड तो ज़रूर देख लिया करो पेज का, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।